काफी ज्यादा भीड़ हो चुकी है भाई, बहुत ज्यादा। तो चलिए शुरू करते हैं भाई साहब, यहाँ पे कौन कौन आया भाई देखते हैं। काफी ज्यादा भाई भीड़ हो गई थी वहाँ पे, बहुत ही ज्यादा भाई साहब। इतना बड़ा क्या हो रहा है भाई यहाँ पे? सब पे दही हांडी फोड़ने जा रहे हैं, सब लोग ऊपर चढ़ रहे हैं और मैं भी देख रहा हूँ भाई, देखते हैं तोड़ पाते हैं कि नहीं तोड़ पाते। कॉफी रेड गाने काफी ज्यादा चल रहे हैं भाई, समझ में नहीं आ रहे बहुत ज्यादा। काल भैरव काफी ज्यादा भीड़ हो चुकी है भाई, बहुत ज्यादा। अभी छोटे मोटे डांस शो हो रहे हैं यहाँ पे। वैसे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉर्पोरेट म्यूज़िक बज रहे थे लेकिन मैं नहीं बजा सकता भाई, कॉर्पोरेट क्लेम आ जाएगा फालतू का। लेकिन बहुत बड़ा फंक्शन था, वैसे बहुत सारी सेलिब्रिटी आ गए थे लेकिन मैं भाई बहुत लेट हो गया था, मैंने सेलिब्रिटी को नहीं देख पाया। नवनीत राणा को देख लिया, ये नज़ारा कुछ देखने लायक था। आसमान इतना, भीड़ इतनी और बीच में से एक फ्लाइट भी जा रही थी। और यहाँ पे नवनीत राणा जो है वो स्टेज के नीचे उतर गई थी, इसलिए जाता है यहाँ पे भाई बहुत भीड़ हो रही है। मैं तो नहीं जा पाया क्योंकि भाई पूरी लड़की लोग ही जा रही है वहाँ पर। मेरे को भी फोटो खींचना था लेकिन काफी ज्यादा भीड़ थी तो भाई मैं भी नहीं जा पाया, मैंने दूर से फोटो खींच लिया भाई, काफी ज्यादा भीड़ हो गई थी भाई। नवनीत राणा ने काफी सारी मराठी मूवीज में, तेलुगु मूवीज में काम किया है और पॉलिटिकल पार्टी में भी अभी है, अमरावती में काफी ज्यादा नाम है भाई।
यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई थी। यहाँ पे मैंने ट्राई किया भाई चलो थोड़ा फ़ोटो ले लेते हैं, यहाँ पे भी भीड़ थी, लेकिन हाँ मैंने थोड़ा सा पास गया था, थोड़ा सा मैंने फोटेज ली है, आप भी इसमें देख सकते। देखा बोला था ना काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी भी नहीं थी भाई जितनी एस आर के बर्थडे में रहती है, ठीक है, लेकिन तो भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी भाई। चलिए कार्यक्रम पूरा खत्म हो चुका है, अभी हम चल रहे सीधा अभी घर पे, तो घर पे नहीं बहन के घर पे जा रहा हूँ, तो चलते हैं।